नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान। आपके साथ मैं हूं शासिर इसार। हमारे खास कार्यक्रम हल्ला बोल में आपका स्वागत करते हैं। राजस्थान में 7 दिसंबर को सत्ताकरण होगा। इसके लिए बीजेपी और कांग्रेस सहित सभी दलों में तेजी से मंत्रणाओं का दौर चल रहा है। टिकटों के लिए दिल्ली से लेकर जयपुर तक मंत्रणाओं का दौर चल रहा है। दिल्ली में आज कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई, वहीं बीजेपी में भी चुनाव घोषणा पत्र की बैठक बुलाई गई। वहीं दूसरे दलों में भी दावेदारों को लेकर ताल ठोकी जा रही है। इधर बीजेपी कांग्रेस में सीनियर नेताओं का विरोध भी देखा जा रहा है। पार्टी कार्यकर्ताओं की ओर से सीनियर नेताओं का विरोध इस बार कुछ ज्यादा ही देखने को मिल रहा है। कार्यकर्ता खुल्लम खुल्ला अपने कई सीनियर नेताओं को टिकट नहीं देने की मांग कर रहे हैं। कुल मिलाकर दोनों ही बड़े राजनीतिक दलों में ये सब इन दिनों खुल्लम खुल्ला दिखाई दे रहा है। ऐसे में सवाल उठते हैं कि बीजेपी कांग्रेस में सीनियर नेताओं का कार्यकर्ताओं की ओर से विरोध आखिर क्यों है। इसके अलावा और भी कई सवाल उठते हैं जिनके इर्द गिर्द हमारी आज की चर्चा केंद्रित रहने वाली है। और चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए हमारे जयपुर स्टूडियो से कुछ खास मेहमान भी जुड़ने वाले हैं। और सबसे पहले आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं जहां पर सीनियर नेताओं का विरोध किया गया। देख सकते हैं आप, तस्वीरों में अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके से यहां पर विरोध किया जा रहा है। आपको बता दें कि ये तस्वीरें कुछ दिन पहले की है, लेकिन अंदाजा आप बहुत अच्छे से लगा सकते हैं तस्वीरों को देख करके कि किस तरीके से यहां पर सीनियर लीडर्स के खिलाफ विरोध किया जा रहा है। हम बात करें बीजेपी की या फिर कांग्रेस की, दोनों में ही सीनियर लीडर्स का विरोध जारी है। हमारी ओर से कुछ अहम सवाल खड़े किए जा रहे हैं। बीजेपी कांग्रेस में सीनियर नेताओं का कार्यकर्ताओं की ओर से आखिर विरोध क्यों है? पार्टी नेतृत्व कैसे निपटेगा इस विरोध से? क्या विरोध के चलते चुनाव परिणामों पर असर पड़ेगा? सबसे अहम सवाल जिसकी बारे में हम जानेंगे और इसको लेकर के चर्चा भी की जाएगी कि आखिर आने वाले चुनावों में क्या तस्वीर उभर कर सामने आएगी। एक तरफ हम देख रहे हैं कि दोनों ही पार्टी की ओर से जोर शोर से चुनाव प्रचार किया जा रहा है, कोशिशें की जा रही है कि किसी तरीके से इन चुनावों को जीत लिया जाए, एक बार फिर से सत्ता में काबिज होने का मौका मिल जाए। लेकिन अगर हम बात करें पार्टियों के अंदर की क्या कुछ चल रहा है, तो वो ये है कि कार्यकर्ता जो है अपने सीनियर लीडर्स का विरोध करने पर उतर आए। चाहे हम बात करें बीजेपी की या फिर कांग्रेस की, दोनों में ही साफ तौर पर देखा जा रहा है। और ऐसे में कुछ सवाल खड़े होते हैं जो कि आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, क्योंकि इस सिचुएशन में, इस स्थिति में ये सवाल खड़े होना बेहद लाजमी सी बात है। बीजेपी कांग्रेस में सीनियर नेताओं का कार्यकर्ताओं की ओर से आखिर क्यों विरोध किया जा रहा है? पार्टी नेतृत्व कैसे निपटेगा इस विरोध से? और साथ ही साथ क्या इस विरोध के चलते चुनाव के परिणामों पर, रिजल्ट पर असर पड़ेगा? ये तीन बड़े और अहम सवाल खड़े किए जा रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान की ओर से आने वाले चुनावों के मद्देनजर। जो सिचुएशन इस वक्त बनी हुई है, जो स्थिति बनी हुई है, जो इस वक्त की सूरत हाल है, वो काफी अहमियत रखते हैं, काफी अहम है। तो आज हम इसी मसले पर बात करेंगे, इसी मुद्दे पर बात करेंगे, और हमारे साथ खास मेहमान भी इस मुद्दे को लेकर रहने वाले हैं, जो कि अपनी राय इस पर रखेंगे और हमें जानकारी देंगे कि आखिर इसके पीछे की अहम वजह उनको क्या नजर आती है, उनको क्या लगती है। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस मसले पर बातचीत करने के लिए आरसी चौधरी, जो कि कांग्रेस की नेता है। स्वागत करते हैं आपका आरसी जी। आरसी जी, आवाज पहुंच पा रही है आप तक?
आरसी जी, विरोध किया जा रहा है, कांग्रेस की बात करें तो जोर शोर से कोशिशें जारी है, लेकिन कार्यकर्ता अपने सीनियर लीडर्स का है विरोध कर रहे हैं, आखिर ऐसा क्यों? साजिया जी, निश्चित रूप से इस देश के अंदर एक लोकतंत्र का ये पावन पर्व है जिसपे उस क्षेत्र के लोग, उस क्षेत्र के मतदाता अपने क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए अपना प्रतिनिधि चुन के इस राजस्थान की विधानसभा में भेजते हैं, और उन चुने हुए जनप्रतिनिधियों का भी दायित्व बनता है कि वो अपने क्षेत्र पे जो उम्मीद रही, जो क्षेत्र के सर्वांगीण विकास में उनकी भूमिका रहनी चाहिए, उसको अपनी प्रतिबद्धता से निभाएं। लेकिन यहाँ पे दो चीजें होती है, एक शासित दल का विधायक होता है, दूसरा विपक्ष का विधायक होता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर कभी भी किसी भी राजनीतिक दल के तौर पे कहीं भेद नहीं किया जाता है, लेकिन पिछले 4.5 सालों में देखने को ये जो मिला, यहाँ तो खुद भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं वो तरस गए थे, सत्ता एक जगह पे केंद्रित हो गई थी, और जो सरकार के जो मंत्री हैं वो आरसी जी, अभी हम भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम बात कर रहे हैं कांग्रेस की। कांग्रेस में भी कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं, आखिर क्यों? सवाल मेरा ये है आपसे। हाँ, निश्चित रूप से मैं साजिया जी, निश्चित रूप से मैं यही कह रहा हूँ कि उस क्षेत्र के जो लोग होते हैं वो अपने क्षेत्र का विकास चाहते हैं, विकास के अगर उनके शौकन पूरे नहीं होते तो वो नेता का विरोध करते हैं। विकास का दायित्व है सरकार के बजट में होता है, सरकार की भागीदारी में होता है, सरकार उस क्षेत्र को किस नजरिए से देखती है इसके अंदर होता है। अगर सरकार इस पूरी प्रदेश की जनता के प्रति अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदता को छोड़ के अगर देखती है तो निश्चित रूप से उस क्षेत्र का विकास हो सकता है। नहीं, अभी हम बात कर रहे हैं कांग्रेस की, 5 साल से आप सत्ता से बाहर हैं। विधायकों को जब सरकार का बजट आरसी जी आवाज सुना रही, आप सुन रहे हैं मुझे? आरसी जी, 5 साल से आप सत्ता से बाहर हैं, ऐसे में वापस सत्ता में काबिज होने के लिए आपको एकजुटता की जरूरत है, लेकिन आप तो आपस में ही अलग थलग नजर आ रहे हैं। साजिया जी, इस कांग्रेस पार्टी ने इस प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता की सदैव हर वर्ग की आवाज उठाई है। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री सचिन पायलट जी, नेता प्रतिपक्ष श्री रामेश्वर जी डूटी और पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेताओं ने इस प्रदेश की जनता की, चाहे हमें लोकसभा में 0 सीटें मिली हो, चाहे विधानसभा में हमें 21 सीटें मिली हो, लेकिन हमने हमारे इस प्रदेश के हर वर्ग की आवाज को उठाने का काम किया। हमारे लोग कहीं पे कोई विरोध में नहीं है, निश्चित रूप से उस विधायक का जो विरोध करते हैं, जहां पे जो विकास नहीं करा पाए हैं, तो यहां पे हमारे कार्यकर्ताओं को यह भी समझाने की जरूरत है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी ने किस प्रकार से पक्षपातपूर्ण जो रवैया उतारा और किस प्रकार पक्षपातपूर्ण तरीके से एक क्षेत्र को विकास से वंचित रखा, जो लोकतंत्र की आत्मा पे आघात है। लोकतंत्र ये नहीं कहता कि आप किसी राजनीतिक दल के कारण उस क्षेत्र को विकास से वंचित रखें। आपके जो कार्यकर्ता है वो विरोध कर रहे हैं कि उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। साजिया जी, कांग्रेस पार्टी में सिर्फ अगर आवाज है तो उस क्षेत्र की जनता की आवाज होती है, उसके कार्यकर्ताओं की आवाज होती है, कई क्षेत्रों पे उन कार्यकर्ताओं की आवाज और उन्हीं कार्यकर्ताओं की क्षेत्र की जनता की आवाज के अनुसार ही प्रतिनिधि चुना जाता है। मैं जैसे आपने विजुअल दिखाया भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय जो प्रभारी हैं और एक केंद्रीय मंत्री हैं, उनके सामने किस प्रकार से कार्यकर्ता आक्रोश जाहिर कर रहे थे। यहाँ पे अगर कहीं पे कोई, मेरे को ऐसे कहीं ज्यादा तथ्य ध्यान में नहीं है, संज्ञान में नहीं है, जहाँ पे 21-24 हमारे विधायक हैं जहाँ पे उनके कहीं विरोध का प्रदर्शन किया हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी अच्छी तरह जानती है कि भारतीय जनता पार्टी ने दमनात्मक पूर्ण तरीके से उन 24 क्षेत्रों को विकास से वंचित रखने का जो प्रयास किया था, आज वो समय है हमारे कार्यकर्ताओं की क्या अहमियत है। हमारी नजर में कार्यकर्ता और उस क्षेत्र का मतदाता गणेश है। उस क्षेत्र के मतदाता की आवाज, चाहे वो हमारी वैचारिक प्रतिबद्धता के रखता हो या नहीं रखता हो, लेकिन वो उस क्षेत्र के विकास के प्रति कटिबद्ध है, उसकी आवाज हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हम उस जनता की, उस क्षेत्र की जनता को जवाब दीजिए। निश्चित रूप से रखता है। तो फिर आज परेशान क्यों है आपका कार्यकर्ता, क्यों वो बोल रहा है? निश्चित रूप से रखता है। सबसे पहले उसकी बात सुनी जाती है, उसकी आवभगत की जाती है, लेकिन चुनाव जैसे ही गुजर जाते हैं उसको इग्नोर किया जा रहा है। साफ तौर पर आपके खुद के कार्यकर्ता विरोध पर उतर जाए हैं, बताइए क्या कहेंगे इस पर? साजिया जी, इस प्रदेश की 200 विधानसभा में से 193 विधानसभाओं पे जाके मेरा बूथ मेरा गौरव कार्यक्रम आयोजित किया गया, और जो बूथ पे जो कार्यकर्ता भारत की
इस भाजपा की कुनीति के खिलाफ जो लड़ता है, जो कांग्रेस का झंडा जहां पे थाम के खड़ा होता है, उसके सम्मान का अगर सबसे पहले कोई राजनीतिक दल ने दायित्व का निर्वहन किया तो वो कांग्रेस पार्टी ने किया, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री सचिन पायलट जी ने किया, गहलोत साहब ने किया, इन्होंने जाके उस कार्यकर्ता को जो उस बूथ में लड़ता है, जो सबसे ज्यादा उस बूथ को विजय बनाता है, चले जा रहे हैं। आपके कार्यकर्ताओं के विरोध से ये बात साफ तौर पर जाहिर हो रही है साजिया जी, ये कतई नहीं है, ये कतई नहीं है। वो उन कार्यकर्ताओं का जो आक्रोश है, कार्यकर्ताओं की जो भावना है, जो कार्यकर्ता जो बढ़ चढ़ के उनकी यही ताकत है, उन्हें नेतृत्व में विश्वास है, उस नेतृत्व के सामने वो अपनी बात रख रहे हैं, क्योंकि उन्हें अपने नेतृत्व पर विश्वास है और नेतृत्व ये जानता है कि उस कार्यकर्ता की आवाज सुन के ही फैसला होना है। कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं बाबूलाल नागर जी के ऊपर। निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी ने सबसे पहले इस बात का स्टैंड लिया था कि कांग्रेस का जो भी प्रतिनिधित्व करता है, जो भी जनप्रतिनिधि जहां पे सिंबल लेके उस जनता के बीच में जाता है, उस जनता के बीच में उससे ले जाने से पहले उस क्षेत्र की जनता कितना मानती है। बाबूलाल जी पे जो आरोप और लगे तमाम जो सब चीजें बातें निकल के आई, आज भी कांग्रेस पार्टी ने कहीं उनको प्रत्याशी बना नहीं दिया गया है, ना उन कार्यकर्ताओं की भावनाओं को कोई अवहेलना कर दी गई है, उन कार्यकर्ताओं की आवाज को सुना गया है और उस प्रदेश उस क्षेत्र की जनता की आवाज को भी सुना जाके और उसी के अनुसार निर्णय किया जाएगा जो उस क्षेत्र के लोग चाहते हैं और कार्यकर्ता चाहते हैं। जब आप अपने कार्यकर्ताओं को खुश नहीं रख सकते तो जनता को क्या खुश रखेंगे। देखिए कार्य साजिया जी, कार्यकर्ताओं को ये संदेह हो सकता है, विश्वास कार्यकर्ता ने आके अपने नेतृत्व को किसी चीज से अवगत कराया तो वो परिवार की एक भूमिका है, वो अपने नेतृत्व में विश्वास करते हैं, उन्होंने तथ्यों से अवगत कराया कि क्षेत्र की जनता नहीं चाहती है, तो हम उस क्षेत्र की जनता के बीच में जो तमाम हमारे जनप्रतिनिधि चाहे पंचायत के हैं, चाहे नगरपालिका के हैं, चाहे जिला परिषद के हैं, चाहे उस क्षेत्र के कर्मठ कार्यकर्ता हैं, चाहे वरिष्ठ कांग्रेस जन हैं, उन सबकी आवाज को शामिल करके बहुमत के अंदर फैसला ले रहे हैं। हम कहीं पे भी कार्यकर्ताओं का ऐसा मनोबल डाउन नहीं करेंगे जिससे उसे शर्मिंदा होना पड़े, जिससे उस प्रत्याशी को उस क्षेत्र में ले जाके इतना सम्मान आप देते हैं तो कार्यकर्ताओं की ये तस्वीरें बिल्कुल भी साफ नहीं आती। अगर हम बात करें कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी की तो कई बार वो दौरे पर आ चुके हैं और कार्यकर्ताओं को अनुशासन का पाठ पढ़ाते हैं, लेकिन बावजूद इसके ये तस्वीरें आना क्या कुछ जाहिर करती है जरा आप ही बता दीजिए। आरसी जी, साजिया जी, अगर कांग्रेस का कार्यकर्ता इस प्रदेश की जनता के दुख और दर्द के अंदर शामिल होने के लिए अपनी प्रतिबद्धता निभाने के लिए वचनबद्ध है और वह सदैव निभाता रहा है, उसी का नतीजा है कि जिस प्रदेश के अंदर जब उपचुनाव हुए, चाहे दो लोकसभा के उपचुनाव हुए, चाहे विधानसभाओं के उपचुनाव हुए, भारतीय जनता पार्टी को करारी शिकस्त दी, ये शिकस्त का अगर सबसे पहला कुछ जाता है तो उस बूथ के कार्यकर्ता को जाता है, उस बूथ पे तमाम वरिष्ठ कांग्रेस चुनाव को जाता है जो अपने बूथ में विजय बनाता है, इसलिए उनका अटूट विश्वास इस नेतृत्व पे था, इसलिए हमने विजय का सेहरा अपने सर पे बांधा, नजरअंदाज कर दिया जाता है। ये शिकायत कार्यकर्ताओं की है, ये तो जब सत्ता पक्ष में बैठे हुए ये जो आप जो विजुअल्स दिखा रही हैं ये सत्ता पक्ष के खिलाफ बता रहे हैं। आज वो सत्ता पक्ष के जो नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री का चेहरा भूल जाइए, विधायक कौन होगा ये भूल जाइए, सिर्फ कमल के फूल को रखिए। आखिर उसका जो कार्यकर्ता आज जवाब पूछ रहा है भाजपा का, कि सत्ता हम आखिर किसके लिए लेके आए, सत्ता तो आज ये आप कह रहे हैं सरकार बनवा रहे, सरकार में बैठे हो, उसका एहसास उसको हुआ नहीं। कांग्रेस का कार्यकर्ता तो इस प्रदेश की जनता को दंश से मुक्ति दिलाने के लिए अपने बूथ पे लड़ाई लड़ रहा है, तोड़ मरोड़ नहीं रहे। जो सत्ता पक्ष होता है उससे कार्यकर्ताओं को उम्मीद होती है, कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता आज विपक्षी भूमिका निभाने में सबसे अग्रणी रहा है, चाहे यूथ कांग्रेस हो, चाहे एनएसयू हो, चाहे महिला कांग्रेस हो, सेवा दल हो, उस हर पार्टी के कार्यकर्ता ने भाजपा के कुशासन के खिलाफ में लड़ाई लड़ी है। मैं आपके सामने जो इस मंच पे पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं, मैं एक साधारण से परिवार से आने वाला व्यक्ति हूं, ये इस पार्टी के नेतृत्व का विश्वास है जिन्होंने मुझे आज इस चैनल पे बैठ के कांग्रेस को रिप्रेजेंट करने का दायित्व दिया। हो सकता है एक बहुत बड़ा परिवार है जो मुझे मौका मिला उसमें से किसी को ना मिला हो, मेरे से भी योग्य हो सकते हैं, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता का सम्मान और मान और उसके स्वाभिमान की रक्षा करना पार्टी का नेतृत्व अच्छी तरह जानता है। साजिया जी, जो तमाम जो विजुअल्स हैं वो बता रहे हैं, अपने डिबेट का हिस्सा बता रहे हैं, बीजेपी के जो नेता हैं वो यहाँ पे हैं नहीं। मैं तो ये कह रहा हूं कि कांग्रेस के कार्यकर्ता अपने
एक ही है, मेरा पहला कर्तव्य ये बनता है कि जिस बूथ से मैं नुमाइंदगी करता हूं वहां पे जो भारतीय जनता पार्टी के जख्म है, जो वर्गों को विभाजित करने का जो काम कर रहा है, अगर मैं उसका निर्वहन कर रहा हूं, अगर मैं लोगों के अंदर प्रेम सौहार्द भाईचारे का काम कर रहा हूं, तो निश्चित रूप से मेरे कर्तव्य का निर्वहन कर रहा हूं। और कांग्रेस का कार्यकर्ता इस काम को बेखूबी से पिछले 4.5 साल से सतत कर रहा है और उसका नतीजा इस प्रदेश की जनता ने हम पे विश्वास करके दिया है। और हमारा नेतृत्व में हमें फक्र है कि वो कार्यकर्ता के स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए, उसके सम्मान के लिए सदैव उसके साथ में खड़ा रहता है। बार बार आप ये बात बोल रहे हैं, लेकिन जो तस्वीरें आई हैं वो कुछ और ही बोल रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ऐसे में क्या किया जाए। आप कुछ और बोल रहे हैं, तस्वीरें हमारे सामने हैं, दर्शकों के सामने हैं, वो देख रहे हैं कि आपके खुद के कार्यकर्ता जो है वो विरोध कर रहे हैं। तमाम जो विजुअल्स हैं आपके जो मैं देख पा रहा हूँ वो बता रहे हैं। चलिए, आप बार बार भारतीय जनता पार्टी का नाम ले रहे हैं, उनसे भी हम बात कर सकते हैं। जुड़ चुके हैं वो हमारे साथ फोन लाइन पर, बीजेपी के नेता हैं पंकज पीड़ा, स्वागत करते हैं आपका। जी धन्यवाद, पंकज जोशी बोल रहा हूँ। जी पंकज जी, आपके कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं सीनियर लीडर्स के खिलाफ, आखिर ये सिचुएशन क्यों आ गई है? तो संपर्क टूट गया है, लेकिन हमारे साथ लगातार कांग्रेस से जुड़े हुए हैं आरसी चौधरी, जो कि कांग्रेस के नेता हैं, उनसे हम रूबरू होते हैं एक बार फिर से। आरसी जी, मैं चाहूंगी कि आप अपनी बात कंप्लीट करें। बीजेपी के हमारे जो बीजेपी के पैनलिस्ट साथी हैं वो भी साझा जी आ गए हैं। उम्मीद होती है कि जब उसके राजनीतिक दल की सरकार बनेगी वो इस क्षेत्र के विकास में अपनी भूमिका निभाएगा, और जब वो उस सचिवालय के अंदर जब पहुंचेगा अपनी इस प्रदेश की जनता की आवाज लेके, तो उसे वहां पे अपनापन का महसूस होगा। कांग्रेस का कार्यकर्ता तो पिछले 4.5 साल से विपक्ष में रहा है, वो सदन के अंदर तो नहीं पहुंच सकता, और सचिवालय में उसकी आवाज को एक विचारधारा ने बंद कर दिया, लेकिन वो सड़क पे इस क्षेत्र की जनता की लड़ाई को सदैव लड़ता रहा, वो हर वर्ग की लड़ाई को इस सड़क पे लड़ा। आज सरकार का दायित्व बनता है कि किस प्रकार से वो अपने कार्यकर्ताओं को तिरस्कृत किया, वो हमें भी दुख होता है। भारतीय जनता पार्टी का भी कार्यकर्ता बूथ में जब मतदाताओं को लेके गया होगा उसके स्वाभिमान का ख्याल रखना भारतीय जनता पार्टी का शायद दायित्व होता है। बीजेपी में हेम सिंह भड़ाना का विरोध हो रहा है, उस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? आपके खुद के कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं। जितेंद्र श्रीमाली हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे ही मेरा ये सवाल था कि विरोध हो रहा है, कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे इस पर? देखिए, ये जो बात कह रहे थे मेरे मित्र, पहले तो मैं इनकी बात का ये जवाब देना चाह रहा हूं कि पूरे 5 साल तक जो जनता ने इनको इस बात का जिम्मेदारी दी थी कि आप विपक्ष में रह करके विपक्ष की भूमिका निभाएंगे, पूरे 4.5 साल तक 5 साल तक इन्होंने एक आंदोलन नहीं किया। इसके अलावा इनके जो नेता है, इनके नेता आज अशोक गहलोत, वो 4.5 साल तक 4.5 साल तक विधानसभा नहीं है। आप सुनिए सुनिए, आप जनता के पास आवाज क्यों नहीं जाने दे रहे हैं? आप जनता के साथ में छल कर रहे हैं, आप जनता के पास आवाज नहीं जाने दे रहे हैं? आप बात बोलने दीजिए, आप एक तरफा बात नहीं, जनता को निश्चित करने दीजिए, जनता से भगे मत, जनता को आपको 4.5 साल तक अशोक गहलोत एक विधानसभा में एक भी उपस्थित नहीं हुए कि विधानसभा के अंदर उपस्थित क्यों नहीं हुए और जान नहीं पाए? आज अरे अशोक गहलोत जी के फक्र है वो मोदी के रथ को जिस प्रकार से विधानसभा में आप आओ नहीं, गुजरात में जो 4.5 साल तक पंजाब में आपकी सरकार ये सारे लोग लेके आ रहे हैं, इसलिए उन्होंने संगठन की भूमिका निभाई, आप इस प्रकार से पार्टी ने कांग्रेस की भूमिका यहाँ निभाई। ये जनता को आपने क्या बेवकूफ बोल रखा है? आप तो अपने कार्यकर्ताओं मेरा आरोप प्रत्यारोप का दौर बहुत पहले से चलता आ रहा है, हमेशा चलता रहेगा। मेरे सवालों के आप जितेंद्र जी आवाज पहुंच पा रही है आप तक? यही हाँ, मेरा सवाल जो आपसे था मैं उसका जवाब देना चाहूंगी कि आखिर क्यों आपके खुद के कार्यकर्ता आपके सीनियर लीडर्स के खिलाफ विरोध कर रहे हैं? देखिए, कुछ जगहों पर कुछ कार्यकर्ता अगर कोई विरोध करते हैं, ये एक सामान्य प्रक्रिया है। जो आज इसी कारण से ये जो विरोध है, इन्हीं विरोधों के कारण से राहुल गांधी को यह कहना पड़ा था अपने कार्यकर्ताओं के सामने कि हमें क्षमा करें, हम पिछले 5 साल काम नहीं कर पाए, इनको कहना पड़ा। तो ये जो बात है, आपको आपके राहुल गांधी जी ने कहा है कि हमें क्षमा करिए, हम 5 साल काम नहीं कर सकते। मैं आप लोगों को बीच में रोकना चाहूंगी, हम दिल्ली लिए चल रहे हैं अपने दर्शकों को, जहां पर अशोक गहलोत प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं।
चुनाव के पहले और तमाम तरह से वो वादे, चाहे काले धन के हों, चाहे 2 करोड़ रोजगार देने की बात हो, किसान को ऊपर का डबल मूल्य देने की बात हो, पूरी तरह प्रधानमंत्री खुद एक्सपोज हो गए और सिर्फ 2 लोग राज कर रहे देश के अंदर, मोदी जी और अमित शाह जी, बाकी तो कुंभा चल रहा है ऐसे उनका। मैंने कहा कि अगर आप 2014 के प्रधानमंत्री के भाषण सुन लेंगे और 4 साल क्या बोले वादे किए आप देख लेंगे, अगर कैंपेन में वो बातें सामने आएगी जो सोशल मीडिया में आ भी रही है, तो कांग्रेस को कैंपेन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, जनता कुछ समझ जाएगी कि क्या क्या बोले थे, आज क्या हुआ है। इन हालातों में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी देश की, जिसका त्याग का, बलिदान का, कुर्बानी का लंबा इतिहास है, आज़ादी के पहले का भी, आज़ादी के बाद का भी। कोई कम बात नहीं कि इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए शहीद हो गई, राजीव गांधी प्रधानमंत्री बनने वाले थे, बम से उड़ा दिए गए। उस देश के अंदर ये लोग आके बात करते हैं कि 70 साल में क्या किया कांग्रेस ने, जिन्होंने आज़ादी की जंग में अपनी एक उंगली भी नहीं कटाई। वो लोग बात करते हैं कि अब महात्मा गांधी को, सरदार पटेल को ले रहे हैं। तो आज इनकी स्थिति है कि ये फासिस्ट लोग हैं, इसलिए मैं ऐसे मौके पर ये भी आह्वान करना चाहूँगा पूरे देश के हमारे तमाम उन लोगों को भी जो पार्टी छोड़ के कोई कहानी चले गए हों। कई बार राजनीति में लोकतंत्र में नाराजगी हो जाती है, कई कारण हो जाते हैं, तो मैं चाहूँगा कि जो देश के हालात हैं उसमें तमाम वो लोग जो कांग्रेस में रहे सालों। तो दिल्ली से आप सुन रहे थे अशोक गहलोत को, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इसी के साथ मैं अपने दोनों ही गेस्ट का, मेहमानों का शुक्रिया करना चाहूंगी हमसे बातचीत करने के लिए, इस चर्चा के लिए। हालांकि कोई निष्कर्ष नहीं लिखना, लेकिन चर्चा जरूरी हो जाती है। इसी के साथ फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज राजस्थान।